नमस्ते। आज हम पतझड़ में टूटी पत्तियाँ इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें प्रश्न है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? उत्तर इस प्रकार से है, शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। तांबे से सोना मजबूत हो जाता है परंतु शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं। सही भाग में व्यवहारिकता को मिलाया जाता है तो ठीक रहता है। प्रश्न है, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वीकार करना, स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना, तौलिए से पहुंचकर चाय डालना आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण, अच्छे और सहज ढंग से की। प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? इसमें केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी से दूर भूत भविष्य की चिंता छोड़कर शांतिमय वातावरण में कुछ समय बिताना इस जगह का उद्देश्य होता है। प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है, उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है, इससे सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों का चिंतन ना करके वर्तमान में जी रहा हो, उसे बहुत सुख मिलने लगा। प्रश्न है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, यह आंदोलन व्यवहारिकता को आदर्शों के स्वर पर चढ़ाकर चलाया गया। इन्होंने कई आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन आदि। उनके साथ भारत की सारी जनता थी। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की। भारतीयों ने भी अपने नेता के नेतृत्व में अपना भरपूर सहयोग दिया और हमें आज़ादी मिली। प्रश्न है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर में, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, कावरता, सहिष्णुता आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इनकी आज भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी। आज के समाज को सत्य अहिंसा की अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं मूल्यों पर संसार नैतिक आचरण करता है। यदि हम आज भी परोपकार, जीव दया, ईमानदारी के मार्ग पर चलें तो समाज को विघटन से बचाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।